कोरोना वायरस महामारी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश की रफ्तार रोक दी है। इस महामारी की वजह से हमारा देश पहले 3 महीनों के लिए बंद पड़ा रहा और अब कुछ गाइडलाइंस के साथ लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक देश की रफ्तार ऐसी ही धीमी बनी रहेगी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी इस महामारी की मार झेल रही है और निर्माता अपनी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भले ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हो लेकिन अपने गली बॉय का जलवा फिर भी कम नहीं हुआ है। रणवीर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी का जमकर फायदा उठाया है और एक के बाद एक 8 फिल्में अपने खाते में जोड़ ली हैं। इन 8 फिल्मों में से कुछ फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है तो कुछ फ्लोर पर हैं और बाकी की स्क्रिप्ट्स वो फाइनल करने में जुटे हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं रणवीर सिंह की वो फिल्में जिनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह फिल्में 3, सूर्यवंशी और जयेश भाई जोरदार की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। ये तीनों ही फिल्में कोरोना वायरस महामारी खत्म होते ही सिनेमा घरों में दस्तक दे देंगी। मेकर्स इन फिल्मों को तब तक रिलीज करने के मूड में नहीं है जब तक उन्हें यह भरोसा नहीं हो जाता है कि दर्शक बिग बजट फिल्मों के लिए घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अगर रणवीर सिंह की उन फिल्मों की बात की जाए जो अभी तक फ्लोर पर हैं, तो वो सर्कस और करण जौहर की तख्त है। रणवीर सिंह इन दिनों किन किन फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं, आइए आपको वो भी बता देते हैं। इंडस्ट्री के गली बॉय उर्फ रणवीर सिंह इन दिनों सर्कस की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म को रोहित शेट्टी बना रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद वो करण जौहर की बिग बजट ड्रामा तख्त में व्यस्त हो जाएंगे। करण जौहर पहली बार एक पीरियड ड्रामा बना रहे हैं जिसमें विकी कौशल, अनिल कपूर, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर खान, जाह्नवी कपूर और रणवीर सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 83, सूर्यवंशी, जयेश भाई जोरदार, सर्कस और तख्त का आधिकारिक ऐलान करने वाले रणवीर सिंह इन दिनों जोया अख्तर की अगली फिल्म, अली अब्बास जफर की मिस्टर इंडिया और यशराज बैनर की धूम के लिए चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि इन तीनों फिल्मों का ऐलान भी रणवीर सिंह आने वाले महीनों में कर सकते हैं। वैसे आप रणवीर सिंह की इन 8 फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज्यादा उतावले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड की ऐसी ही मसालेदार खबरों के लिए बॉलीवुड लाइफ का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।